ओम शांति। हम सभी सूर्य के समान तेजस्वी बनने के लिए ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे सारा दिन रहें, ताकि उनकी शक्तियां हम में समाती रहें। हमें तेजस्वी बनना है, जिसकी हम संतान हैं, उस जैसा ही तेज हमें भी धारण करना है। बाबा के ये बहुत सुंदर और रहस्य भरे शब्द हैं, ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर सारे विश्व में फैलाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। बाकी सब कार्य तो निमित्त मात्र हैं। तो देख लें कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कार्य निमित्त मात्र हैं, जो लिमिटेड सेवाएं हैं, उनके कारण हमारा ये अनलिमिटेड कार्य, ये विश्व सेवा का कार्य, ये विश्व की आत्माओं को सकाश देने का कार्य छूट तो नहीं जाता। हम अपने मुख्य कार्य पर ध्यान दें। बहुत बड़ा काम बाबा ने हम सभी के जिम्मे रखा है। इस संसार को हमारी शक्तियों के वाइब्रेशंस की बहुत बहुत जरूरत है, और हम सब जानते हैं ये काम भी ब्राह्मण आत्माओं में बहुत थोड़े योगी ही कर पाते हैं। बाकी अनेक आत्माएं तो अपनी ही उलझनों में, अपनी ही समस्याओं में, अपने ही संस्कारों को बदलने में लगी रहती हैं। तो जो ये महान कार्य कर सकते हैं, उन्हों को तो ये महान कार्य हर समय करते ही रहना चाहिए। जो सेवाएं या जो लौकिक कार्य आपको मिले हुए हैं, वो निमित्त मात्र हैं, वो तो करने ही हैं। उसमें भी ये अभ्यास होता रहे कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ये कार्य करा रही हूँ। बाकी आज सारा दिन, जबकि हम सभी की योग भक्ति है, जब हम ईश्वरीय मिलन का निरंतर आनंद लेंगे और अपने वाइब्रेशंस के द्वारा संसार की अनेक आत्माओं को मदद करेंगे, तो इस पर आज हमें पूरा ध्यान देना है। जितना हो सके सारा दिन अंतर्मुखी रहकर बाबा की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करते हुए ज्ञान सूर्य से किरणें लेते रहना है, और अपने को इस स्वमान में भी स्थित रखना है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बहुत श्रेष्ठ स्वमान है। इस स्वमान में स्थित रहने से हमसे निरंतर चारों ओर किरणें फैलती रहती हैं, और किसी भी स्थान का वातावरण चार्ज होता रहता है। इस अभ्यास से हम योगी आत्माएं किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस को बदल सकते हैं, अशांति को शांति में, दुख की लहरों को सुखों में, जहां लड़ाई झगड़ा हो वहां प्रेम का माहौल बनाने में, जहाँ भय का माहौल हो वहाँ निर्भयता के वाइब्रेशन फैलाने में ये अभ्यास अहम भूमिका निभाता है। तो आज सारा दिन इस वमान के द्वारा हम श्रेष्ठ अभ्यास के अनुभव में रहेंगे। सवेरे के समय पांच स्वरूपों की गहन अनुभूति, बिल्कुल ये नशा हो जाए, मैं ये नहीं ये हूँ, अपने देव स्वरूप के भी और पूज्य स्वरूप के भी, और मुझे जो महान फरिश्ता बनना है उसकी भी। मुरली उसी अनुभूति में सुनेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। दोपहर का समय यानी 8 से 12 के मध्य में जो भी कर्म करेंगे इस स्वमान के साथ कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, पानी पीते, नाश्ता करते,
ये सब अभ्यास चालू रखेंगे। दोपहर के समय कार्य करते हुए अशरीरीपन का विशेष अभ्यास, मैं आत्मा इस देह में आई हूँ, अवतार हूँ, क्यों मैंने अवतार लिया है पुनः चिंतन रखेंगे। और शाम के समय ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर सारे संसार को फैलाते रहेंगे, देते रहेंगे। ये अभ्यास सारा दिन करेंगे और शाम के समय बाबा को अपना चार्ट देंगे, गुड नाइट करते हुए उसकी ब्लेसिंग्स भी लेंगे, उससे बातें भी करेंगे और कोई गलती हुई हो उससे क्षमा याचना भी करेंगे। तो आइए आज सारा दिन हम योग के सुंदर अनुभवों में व्यतीत करें, ताकि हमारा जीवन लाइट हाउस बनकर सभी के लिए सुंदर प्रेरणा बन जाए। और जो अब आत्माएं पुरुषार्थ में ढीली डाली हैं, उन्हें भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की दिव्य प्रेरणा प्राप्त हो। आज का दिन आपका श्रेष्ठ अनुभूतियों में बीते, इसी शुभ भावना के साथ ओम शांति।